आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। श्री युवा रामलीला कमेटी के द्वारा गोविंदपुरी में लगातार 5 दिन से चल रही रामलीला का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे दिखाया जा रहा है और लगातार 25 वर्षों के साथ की गई रामलीला इनके द्वारा इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि इस बार 26वें वर्ष के अंदर बहुत सारी चीजें नई देखने को मिली है। आज है रामलीला का 6वां दिन और आज होने वाला है क्या क्या जानेंगे लोगों से। लगातार इन लोगों के द्वारा कमेटी मेंबर्स के द्वारा ऐसी तैयारी का नतीजा लोगों के सामने निकल के आया है और जो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा जिस तरीके की भावनाएं और जिस तरीके की रामलीला के अंदर कार्यक्रम होता जा रहा है वाकई में बहुत ज्यादा सराहनीय बात है। सर आज क्या क्या होगा? आज आपके सामने कल जिस प्रकार राम वनवास गए आज दशरथ जी अपने प्राण त्याग देंगे और उसके बाद भरत मिलाप के बाद आगे जंगलों में विचरते और खर दूषण भक्त तक लीला जाएगी और शूद्रखा भी बीच में होगी तो लीला उसी प्रकार बहुत ही सुंदर तरीके से जैसे आप पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से उसी प्रकार भव्य रूप लेती जा रही है और हमारे कलाकारों का जो शानदार प्रदर्शन जनता के बीच में है वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। 5 दिन से लगातार जो प्यार मिल रहा है क्या कहना चाहेंगे उस पर सबसे पहले और आज क्या ऐसा नया लोगों को देखने को मिलने वाला है? 5 दिनों से निरंतर नगर वासियों ने जो स्नेह और प्रेम दिया है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज श्री युवा रामलीला कमेटी के मंच के माध्यम से सर्वप्रथम दशरथ मरण तदुपरांत भरत मिलाप के बाद सुर्पनखा नाक भेदन खर दूषण वध के बाद बूढ़े मारिच के पास रावण का जाना सीता हरण का दृश्य बहुत ही मेहनत और लगन से तैयार किया गया है। जटायु राम जी का मिलन और छबरी जी ने आगे की जगह बताने की कहां कहां से आपको जाना है। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो ये कहना चाहेंगे निरंतर जितना हमारे को दर्शकों को प्यार मिल रहा है हम चाहते हैं कि इस प्यार और इस दर्श हमेशा समर्थ बनी रहे और हमारे कलाकारों की बहुत मेहनत है जिसमें हमारे निर्देशक श्री राकेश कुमार मेहरा जी का बहुत सहयोग है और बच्चों का इतना खुश तरीके से काम करना और अच्छा काम करना उसका श्रेय सारा राकेश मेहरा जी को जाता है जो इसके निर्देशक हैं यहाँ के स्टेज के और मैं चाहता हूँ कि निरंतर वो 25-26 साल से यही अपना कार्य करते आ रहे हैं और पुनः ये कार्य चलता रहे प्रति वर्ष हर वर्ष की भांति ये कार्य चलता रहे हमेशा। जय श्री युवा रामलीला कमेटी आज के दिन भी लगातार ये प्रदर्शन करती जा रही है और लोगों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन ये लोग इतनी सेवा के साथ हम उनकी सेवा कर रहे हैं और छोटे छोटे कलाकार अपना जो कार्य कर रहे हैं सचमुच देखने लायक है। हमें पूरे के पूरे नगर वासियों से यही उम्मीद थी कि वह भारी से भारी संख्या में आकर इन बच्चों का हौसला अफजाई करें। पुलिस साहब क्या कहना चाहेंगे? 5 दिन हो चुके हैं जनता का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है लोग चाहे पार्टी की बात करूं किसी की नहीं यहाँ पे निष्पक्ष आप काम करते हैं लेकिन सभी लोग यहाँ पे आपको आशीर्वाद देने आए हैं। ऐसा करते हैं हम तो रामलीला जो हमारी युवा रामलीला कमेटी है सबका सहयोग साथ चल रहा है हम तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं और हमारा बहुत असर जा रहा है बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं यहाँ पे और सब की आशीर्वाद से हमारे कलाकार जितने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं बहुत अच्छी देख कर रहे हैं अपना और हमारा 5वां दिन है और बहुत अच्छी भीड़ रहती है हमारे यहाँ और 8 सवा 8 बजे हम आरती करते हैं उसके बाद हमारा 12 बजे तक प्रोग्राम रहता है। हमारा रश बहुत हो रहा है और सब लोगों का प्यार मिल रहा है और हम यही कहते हैं कि ऐसे ही हमारा सब साथ देते रहें और हमारे आज से 6 दिन के बाद अब इसी ग्राउंड में रावण चलेगा गोविंदपुरी में पूरे सबसे बड़ा रावण यहीं का बताया जा रहा है सारी जनसंख्या यहाँ पे होगी रावण देखने के लिए उस टाइम कैसा माहौल होगा? ऐसा कालका जी और गोविंदपुरी एरिया जितना ही हमारे यहाँ रावण एक ही जल रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इतनी भीड़ होती है यहाँ संभालना हमारे को बहुत होते हैं हमारे पुलिस वालों का बहुत साथ होता है हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ बहुत हमारे पास है और हमारी अच्छी जो है संस्था जुड़ी है हमारे साथ और रश रहेगा उस दिन हम सबसे यही कहते हैं अपना रास्ते में अपना टाइम पे आए और टाइम पे अपना हमारा प्रोग्राम सारा सही रह जाता है। चांद का मुस्कुरा
कुछ और भी तो बोलने के लिए होता है महाराज।